झारखंड में एक बार फिर प्रचंड गर्मी पड़ रही है। राज्य के पूर्वोत्तर के चार जिलों को छोड़कर तकरीबन सभी जिलों का तापमान 40 के पास पहुंच चुका है। चतरा और पलामू का पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया है। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय तूफान झारखंड के जमशेदपुर को छूते हुए बांग्लादेश पहुंचा और अब उसका असर भी खत्म हो चुका है। झारखंड में प्रचंड गर्मी पड़ रही है, लिहाजा लोगों में बेचैनी भी महसूस होती है। सड़कें सुनसान हैं और लोग गमछा बांधकर किसी तरह अपने काम को पूरा कर रहे हैं। पूर्वोत्तर के चार जिलों को छोड़ दें तो अधिकांश जिलों में तापमान 40 के ऊपर पहुंच चुका है और कई जिलों में तो 43 और 44 डिग्री तक पहुंच गया है। अभी आज और कल में 16-17 में जो तापमान है उसमें 2-3 डिग्री की बढ़ोतरी अधिकतम तापमान में देखने को मिल सकती है झारखंड के काफी हिस्सों में। उसके बाद से कोई बड़ा बदलाव नहीं है क्योंकि टेम्परेचर जो अप्रोचिंग 40 या कुछ जगह 40 से ज़्यादा भी हो जाएगा, जिसके कारण थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लोगों को हो रहा होगा, हल्का उमस भी फील हो रहा होगा, तो बट इसके बाद से जो है टेम्परेचर में कोई ऐसा बड़ा बदलाव नहीं है। चक्रवाती तूफान मोर्चा के कारण कुछ नमी झारखंड की तरफ भी आई है, जिसके असर से कहीं कहीं हल्की बौछारें पड़ सकती हैं, मगर इसका असर कहीं भी गर्मी को कम करने वाला नहीं है। जो तूफान जो गया था उसके कारण कुछ बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर आया है और जिस कारण से कुछ कुछ एरिया में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ में आपको हल्के मध्यम दर्जे की बारिश, तेज हवा के झोंके थंडरस्टॉर्म के समय में देखने को मिल रहे हैं और ये देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में भी। खासकर बात की जाए तो जो पूर्वी भाग है, कोल्हान, संथाल, रांची के कुछ इलाके। अप्रैल और मार्च के 15 दिनों तक सुहावने मौसम का मजा लेने वाले झारखंड वासी इन दिनों सूरज की तपिश से झुलस रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की सलाह है कि वो जरूरी ना हो तो 12 से 3 बजे तक घर के बाहर ना निकले, शरीर को ढक कर रखें और पानी का इस्तेमाल करें, बुजुर्ग और बच्चे को गर्मी से बचा कर रखें। न्यूज 11 भारत के लिए कैमरामैन कैश के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।